ये जो तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं कि अनूप सिंह और हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत चंदन से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, राजेश और आशीष तिवारी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इसकी जरूरत चंदन हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, इसलिए पड़ रही है क्योंकि गवर्नर हाउस से चुनाव आयोग को जो अपनी अनुशंसा वाली पत्र है वो नहीं भेजा जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। इससे ये लोग काफ़ी बेचैन भी हैं और अब बौखला भी रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, बेचैनी भी है, अंदर खाने परेशान, नाराजगी भी है। मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, बौखलाने के बजाय नाराजगी है। और अब ये लोग इस तरह की तस्वीरें मैसेज दे करके कहीं ना कहीं आप बीजेपी खेमे में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आप जो कर लीजिए हम लोग भी तैयार। मैं एक बात कोट करूंगा, कल जब सीएम नेतरहाट में थे तब उन्होंने राजभवन पे कहा था कि राजभवन को आखिर एक राजभवन भी उनके निशाने पर था बीज, बिल्कुल। तो एक नाराजगी है कि अगर तस्वीर साफ करनी है तो क्यों नहीं कर दी जा रही है? आखिर इस बात को लेकर राज्य में उहापोह जैसे हालात क्यों रखे जा रहे हैं? जो सियासी तौर पे उथल पुथल जैसे संकेत दिख रहे हैं, सियासी हालात जिस तरह के बने हुए हैं, आखिर एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुटता का संदेश देना पड़ रहा है, आखिर रांची से बस में इन्हें खूंटी तक का सफर करना पड़ रहा है, इस गेस्ट हाउस में आकर एकजुटता की बातें उन्हें दिखानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं, जो परिस्थितियाँ बनी हुई है राज्य की जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे सत्ता पक्ष अपनी सियासी विसात पे विरोधियों को पटखनी देने के लिए एक मैसेज दे रहा है, अपनी एकजुटता का संदेश दे रहा है। जितनी बातें हो रही थी सियासी तौर पे, चर्चाएं हो रही थी, उन सारे बिंदुओं पर विराम लगाने की कोशिश है। और इसीलिए आप यहाँ हेमंत सोरेन को देखेंगे बतौर मुख्यमंत्री और यूपीए विधायक दल के नेता के तौर पे, वो बड़े आराम से बड़े कूल तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जब जरूरत हो रही है लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, मीडिया से अपनी बातें अपना अभिवादन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये साफ है कि ये लोग चाहते हैं, यूपीए गठबंधन चाहता है, सत्ताधारी दल चाहता है कि तस्वीर साफ की जाए, राजभवन को जो अपना मैसेज भेजना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो भेजा जाए। अब चूंकि आज शनिवार है, ऐसे में कल रविवार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेके चंदन सवाल ये है कि आप राजभवन को डिक्टेट नहीं कर सकते। आप राज्यपाल को ये नहीं कह सकते हैं कि आप इतने घंटों के भीतर अपना मंतव्य भेज दे, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। बिल्कुल अंदर खाने नाराजगी इसी को है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये अपनी बात नहीं रख सकते, उनके विवेक पे है। अब उनके विवेक पे अगर उन्हें लगता है कि विधि विशेषज्ञों से मशवरा करने की और ज़रूरत है और वो चाहते हैं ज़रूरत, हालांकि सभी पहलुओं पे चर्चा हो चुकी है, भेजा जाना है इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन। सवाल मनीष यहाँ पर ये है जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि एक बार आप जरा अपने सोर्सेस भी खंगालिए, आप अंदर से बात करिए कि एग्जैक्ट नंबर अगर हमारे सामने आ जाए कि इस वक्त कितने विधायक हैं, और बाकी के नेताओं की हम बात नहीं करते हैं कि महासचिव हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश, कितना एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है वो हमें पता चले। और दूसरी बात जो बार बार बीजेपी खेमे की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे रघुवर दास कह रहे हैं, निशिकांत दुबे ने ट्वीट भी किया था कि केवल 36 लोग हैं उनके साथ, तो आखिर किस बुनियाद पर, किस आधार पर इस तरह का दावा विपक्ष की तरफ से हो रहा है? मनीष देखिए, निशिकांत दुबे के जो आंकड़े जो दावे थे उसे तो कल सुबह ही सत्ता पक्ष ने विधायकों का जुटान करके पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि खारिज कर दिया जी। 41 प्लस विधायक सीएम आवास में कल सुबह जुटे थे, 41 विधायक जुटे थे सुबह और हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, तो उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि वो दावा तो वहीं खारिज हो गया। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर इस वक्त कितने विधायक हैं, सीएम आवास में हर बैठक में कितने विधायक पहुँच रहे हैं, सवाल ये है राजेश कि अगर फ्लोर टेस्ट की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर से हमारी बात हुई, उनका साफ ये कहना था कि कौन क्या कह रहा हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जब बहुमत साबित करने की बात आए तो हेमंत सोरेन के साथ कितने विधायक वहाँ पे फ्लोर पर उनके साथ खड़े रहेंगे, ये महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसे में यहाँ पर हेमंत सोरेन क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? हेमंत सोरेन यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, और अगर खतरा की जो बात आए सामने आ रही है उसकी उन्हें परवाह भी नहीं है। आप देखिए कि जिस तरह से ये नौकायान कर रहे हैं, कैमरे के सामने सीटियां मार रहे हैं और हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन कर रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे साथ महागठबंधन के विधायक हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी चाहे वो राजभवन में परेड कराने की बात हो या फिर
विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात हो तो वहाँ पर हम इसे बहुत आसानी से साबित कर देंगे, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है राजेश। लेकिन इस बीच मैं एक बार फिर से बसंत सोरेन के बयान को कोट करूंगा, हमें लगातार बसंत सोरेन के बयान को इसलिए दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि बसंत सोरेन एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के बहुत सारे विवाद हम कह सकते हैं कि लगातार होते रहे, बहुत सारे शक और सवाल जो है लगातार उठते रहे। आप कई तरह के आरोप लग रहे थे कि बसंत सोरेन के जो बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हो रहे हैं और वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन बसंत सोरेन ने अभी जो जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की टेलीफोन पे, वो यहीं पर कैमरे में हमने तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा बैरिकेडिंग बना दिया गया है, मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। बसंत सोरेन ने दो टूक कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से उठेंगे और सीधे विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पहुँच जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्या बसंत हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर के बतौर CM एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है नहीं है, लेकिन इस पर भी बसंत सोरेन ने अपनी राय रख दी कि हेमंत ही CM होंगे। चंदन आज से हम बात करेंगे, लेकिन आशीष भी हमारे साथ है। आशीष, काफ़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, काफ़ी विपरीत परिस्थितियां भी हैं, क्या कहेंगे इसको? जी, आपने सही कहा, जिस तरह से दो दिनों से झारखंड में राजनीतिक तस्वीर देखने को मिल रही थी और सस्पेंस था वो लगातार बरकरार था, हालांकि विपक्ष द्वारा कई दावे किए जा रहे थे कि राज्य सरकार को अपने 41 विधायक जुटाने में उनको परेशानी होगी, मगर साफ तौर पर महागठबंधन ने एक अपनी एकजुटता दिखाई और ताकत दिखाया, जहां साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर इस डैम में पहुंचे हुए हैं, पहले मुख्यमंत्री हो, तमाम सरकार के मंत्री विधायक सभी बस से यहां पहुंचे हैं और उसके बाद नौका का बिहार का आनंद लिया, उसके बाद आपसे देख गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सीटी बजाकर और कहीं ना कहीं अपना जो उत्साह था वो साफ तौर पर उन लोगों का देखने को मिल रहा था, क्योंकि महागठबंधन एक तरह से अपना जो ये मैसेज है वो विपक्ष को देना चाह रहा है कि जिस तरह उनके जो आरोप प्रत्यारोप थे उसको दरकिनार करते हुए गठबंधन ने अपना एक एकजुटता दिखाई। जी बिल्कुल, चंदन भी हमारे साथ है। राजेश, चंदन, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तस्वीरें तो हमने कह सकते हैं झारखंड की राजनीति में भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत नई नहीं है, इससे पहले भी झारखंड से विधायकों को जयपुर ले जाया गया, दूसरे जगहों पर ले जाया गया है, लेकिन अभी हाल में जो ये तस्वीरें अब दिख रही हैं और जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, इसको किस तरह से आप देखिए? बिल्कुल, जो हालात है और जो परिस्थितियाँ हैं, बारिश भी हो गई है, तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि UPA गठबंधन अपने विरोधियों को, अपने जो इनके जो विरोधी हैं या जिस तरह से इनकी उम्मीदें थी कि जो मैसेज आना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, जो जिसका इंतज़ार लोगों को है, आखिर वो नहीं आ पा रहा है और अब सभी विधायक यहां पे इस गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, बारिश की बूंदों के बीच, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है सभी विधायक, UPA गठबंधन के सभी विधायक कमोबेश यहाँ पे हैं और एक तरह से वो एंजॉय करने के मूड में हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर बेचैनी है कि वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो जल्द से जल्द। बिल्कुल, मैं चंदन रोकूंगा आपको, एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, मैं संजय टोपो से रिक्वेस्ट करूँगा, उन्होंने भी काफ़ी विपरीत परिस्थिति में कैमरा वर्क किया है। ये देखिए, ये वो तीन बसें हैं, तीन बसों के जरिए जो है इन विधायकों को लाया गया है। रविंद्र, आप देखिए कि दो जो बसें हैं वो पम्मी की हैं, पम्मी ट्रैवल्स की, और एक बस जो है रॉयल की है, यानी कि तीन बसों के जरिए जो है विधायकों को लाया गया है और अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है कि अब आगे क्या करना है। हर कुछ तय है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ है, ये पहले से ही तय थी, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी और इस पटकथा के स्क्रिप्ट के तहत ही हर एक कदम हेमंत सोरेन उठा रहे हैं, यानी शर्म और मात के इस खेल में हेमंत सोरेन भी अपने कदम को बहुत ही संभल के चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ BJP क्या कर रही है? BJP के नेताओं का स्पष्ट कहना है, चंदन, आंकड़े नहीं हैं इनके पास और ये तो परेड करा रहे हैं। बिल्कुल, BJP भले ही ये बार बार आरोप लगा रही हो कि गठबंधन के पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन उसी आंकड़ों के सवाल पे ये जवाब है UPA गठबंधन की तरफ से, जो सवाल उठाया जा रहा है, यानी कि एक तरफ सत्ता पाधारी दल है, दूसरी तरफ विपक्ष है और चीज़ें संवैधानिक व्यवस्था के तहत सामने नहीं आई है, लेकिन जो सवाल उठे हैं, जो आरोप लगे हैं और उस आरोप के मेरा एक सवाल है आपसे, मनीष, मेरा अगर सवाल सुन रहे हैं तो मेरा एक सवाल है आपसे कि कल जिस तरीके से हेमंत सोरेन एक